हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं न्यू मार्केट जा रहा हूँ किसी काम से, एंड बट मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था जो कि बाइक में जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं। सो मैंने कुछ 5 पॉइंट्स निकाले थे जो कि कुछ बाइक्स में ऐसे फीचर्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं और उन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं। ओके, सो उन्हें लोग इग्नोर कर देते हैं और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो पहला पॉइंट जो है वो है ये, भाई साहब आपको बताएंगे। तो पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है हेलमेट हुक्स के बारे में। सो मैं आपको सीट के नीचे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि सीट के नीचे कुछ बाइक्स में हेलमेट हुक दिए रहते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ओके, सो मैंने इसकी सीट निकाल दी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हेलमेट हुक दिया हुआ है और सेम एक हुक दिया हुआ है इस तरफ। तो ये जो दो हैं ये हेलमेट हुक्स हैं। सो यहाँ पे आप अपना हेलमेट माउंट कर सकते हैं और या फिर अगर आप कुछ ग्रॉसरीज खरीदते हैं तो यहाँ पे आप इसको माउंट कर सकते हैं। और जनरली वैसे तो ये हेलमेट हुक है लेकिन आप यूटिलाइजेशन इसका कैसे भी कर सकते हैं। और जब आप इस पर सीट रख देते हैं तो ये पोर्शन जो है ये हाइड हो जाएगा और इसमें से कोई हेलमेट निकाल नहीं सकता। राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट फीचर जो आपको नोटिस करना है आपकी बाइक में अगर है तो वेल एंड गुड। दूसरा फीचर जो है वो है एक छोटा सा स्पेस दिया होता है हर बाइक में। तो ये एक छोटा सा स्पेस दिया है कावासाकी ने और यहाँ पे जो है टूल किट और मेडिकल किट के लिए स्पेस दिया हुआ है। आप इस स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टूल किट और मेडिकल किट निकालना रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन अगर आप कुछ और चीज़ें स्टोर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा साइड पैनल्स में कुछ कुछ गाड़ियों में स्पेस दिया होता है तो आप उस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली मैं यहाँ पर जब भी ट्रिप्स पर जाता हूँ या फिर मोस्टली 99% टाइम मैं इसके अंदर अपना जो है ये स्टोर करना पसंद करता हूँ। दिस इज़ स्मॉल पंप, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। मैं बस इसको यहाँ रख देता हूँ। ये फिट है, स्टर्डी है और अब मैं सीट आपको लगा के दिखाता हूँ। विदाउट एनी प्रॉब्लम ये सीट जो है इसके अंदर लग जाती है। अब ये अंदर वाइब्रेट नहीं करता, बचता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। राइट, सो दिस वॉज द सेकेंड फीचर जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। नाउ जंपिंग टू द थर्ड वन, जनरली बाइक्स में स्पेयर वोल्टेज के लिए या फिर स्पेयर एसेसरीज के लिए कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं। सो वर्सेस में 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स एक्चुअली एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो वर्सेस में दिया हुआ है वो है ऑक्सिलरी लाइट्स के लिए जो कि इसके नीचे की तरफ दिया होता है। मैं ट्राई करता हूँ फोकस करने का। तो जो पॉइंट दिया हुआ है वो यहाँ पे है कहीं, लेट मी ट्राई एंड फोकस, या दिस वन। ये जो पॉइंट है ये वर्सेस में दिया हुआ है एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लाइट्स के लिए। राइट, सो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी वायरिंग करके रखी है और यहाँ पर मैंने स्पेयर कनेक्शंस निकाल दिए हैं मेरे एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने के लिए। सो मैं इन कनेक्शंस को यूज़ करता हूँ ऑक्सिलरी लाइट्स के लिए। उसके अलावा हीटेड ग्रिप्स और अदर एक्सेसरीज के लिए, फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट सॉकेट के लिए या फिर गियर इंडिकेटर के लिए पुरानी वर्सेस में, इस तरह के कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऑलरेडी वर्सेस में दिए हुए हैं। तो अगर आपकी बाइक में भी इस तरह के पॉइंट्स हैं तो आप उसको एक्सेसरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ड्यूक 390 थी, तो ड्यूक 390 में अगर आप मास्क को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वायर्स मिल जाएंगे कुछ एक्सेसरीज को रन करने के लिए। सो दैट वाज माय थर्ड पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस। नाउ द फोर्थ पॉइंट व्हिच आई वांट टू डिस्कस इज दिस लिटिल गाय हियर। सो ये बहुत काम की चीज़ है और बेसिकली क्या है कि ये प्रीलोड एडजस्टर है वर्सेस में, लेकिन कुछ गाड़ियों में और भी मैनुअल प्रीलोड एडजस्टर्स आते हैं और जिनको कि एक स्पेशल टाइप के
पाने से या फिर रेंच से इसको स्पिन करके हम प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्रीलोड एडजस्टर को आप एज अ शॉक रेजर भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि जब आप इसको घुमाते हैं तो ये शॉकअप का जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज़ होता है, और जो लोग लंबे हैं काफ़ी हाइटेड हैं बट जिनका वेट कम है और प्रीलोड एडजस्टिंग उनके लिए यूज़फुल नहीं है तो वो गाड़ी की हाइट को प्लस माइनस करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको इसको घुमा के दिखाता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो इफ़ यू सी दिस केयरफुली, सो जब मैं इसको स्पिन करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट जो है वो चेंज हो रही है। सो मैं इसको हार्ड सेटिंग पर डालता हूँ। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ यहाँ पे इसकी सेटिंग्स चेंज हो रही है। सो ये हाईएस्ट सेटिंग पे है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसके अंदर फर्क आ गया है और ये काफ़ी जो है इसकी हाइट बढ़ गई है। सो आप इसको एज अ हाइट चेंज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रीलोड की ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों की हाइट ज़्यादा होती है बट गाड़ी का हाइट कम होने की वजह से स्टैंस अच्छा नहीं बन पाता। सो दिस इज़ आई थिंक व्हाट यू कैन डू एज अ हैक। एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ कॉल्ड इवेंट डेटा रिकॉर्डर। सो आई डोंट नो इफ़ ऑल बाइक्स हैव इट, बट सारी मॉडर्न गाड़ियों में ये एक डिवाइस होता है जिसको कि इवेंट डेटा रिकॉर्डर बोलते हैं, जो कि बाइक में कहीं तो भी लगा होता है। आई डोंट नो वेयर व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दैट, बट बाइक में कहीं है और आपकी सर्विस बुक में आप ज़रूर देखिएगा, आपके ओनर्स मैनुअल में होगा। उसमें क्या होता है कि जनरली जब बाइक नॉर्मली रन कर रही है तो एवरी काइंड ऑफ डेटा विल बी रिकॉर्डेड इन दैट इवेंट डेटा रिकॉर्डर। और जब आप क्रैश करते हैं या बाइक गिरती है सो उस फाइनल मोमेंट्स के उस फाइनल मोमेंट का जो डेटा होता है वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। सो बेसिकली जब आप इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं या फिर अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस होता है तो वो इवेंट डेटा रिकॉर्डर बता सकता है कि फाइनली बाइक वॉज रनिंग प्रॉपरली और नॉट, आपकी गाड़ी की गलती से की वजह से एक्सीडेंट हुआ है या कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है या कुछ इशू है बाइक में। सो अगर किसी पार्ट्स के ख़राब होने की वजह से या किसी चीज़ के फेल होने की वजह से अगर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर गाड़ी गिरती है तो इवेंट डेटा रिकॉर्डर आपको बता देगा कि किस पार्ट में खराबी थी और क्या हुआ होगा। ओके, सो दीज वर द फाइव थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस। और आप अपने शॉप ओनर्स मैनुअल को ज़रूर देखिए, सर्विस मैनुअल को ज़रूर पढ़िए, उसके अंदर आपको कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी गाड़ी के बारे में ज़रूर नज़र आएंगी। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती हैं या मिलती हैं या आपकी गाड़ी में कुछ और फीचर्स अवेलेबल हैं, सो हम उस बारे में डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली, इन्जॉय योर डे।